नमस्कार दोस्तों। तो हम मेमोरी ट्रेनिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। मेमोरी ट्रेनिंग में मैंने दो वीडियो अपलोड कर दिया है। पहला वीडियो जो था वो हमारा बेसिक के बारे में था, ठीक है। ये बेसिक्स में मैंने आपको क्या क्या बताया था वो आपको याद करके रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के वो काम आने वाले हैं। जो भी मैं चीज़ें याद कराने वाला हूँ वो बेसिक्स जो मैंने पहले वीडियो में बनाया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद के जो भी वीडियो होंगे, कैलेंडर्स के बाद जितने भी वीडियो होंगे सब उसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो आपको पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप पहला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने वो सारे बेसिक्स बताए हुए हैं, ठीक है। फिर दूसरे वीडियो में मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था कैलेंडर्स के, ठीक है, कैलेंडर्स के टॉपिक स्टार्ट किए थे, और उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से हम किसी भी ईयर के कैलेंडर्स को देख के उसके डे को बता सकते हैं। 4 से 5 सेकंड के अंदर वो हो जाता है, ठीक है। अगर ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे तो आप 2 सेकंड 3 सेकंड के भी बता सकते हो कोई भी डेट। जैसे कि मैंने पूछ लिया कि 1 अगस्त 1927 को कौन सा डे है, तो विदाउट पेन और कॉपी आप क्या कर सकते हो, इसको बता सकते हो, ठीक है। क्या होगा इसका, अगर पिछला वीडियो जिसने देखा है तो तुरंत बता देगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे 14 है, 27 ही ले लेते, चलो 27, ठीक है। तो अभी तक मैंने 27 तक ही बताया हुआ आपको, 14 कहाँ तक बताया हुआ, 27, 27 से आगे मैंने नहीं बताया, तो आप 64, 47 का नहीं निकाल सकते हो। आज उसी बारे में डिस्कस करेंगे हम कि 27 के बाद कैसे निकाला जाए 100 तक पूरा, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी ईयर के निकाल सकते हो, ठीक है, 17 का हो, 16 का हो, 11 का हो, 3000 का हो, 4000 का, कोई भी निकाल सकते हो। तो इसका क्या होगा, पहले तो पहला हो जाएगा अगस्त में, मैंने अगस्त का कोड क्या बताया था, अगस्त का कोड 3 था, इसको याद भी करा दिया था मैंने, ठीक है। अगर आपने सेकंड वीडियो भी नहीं देखा है तो सेकंड वीडियो भी देख लो, क्योंकि उसमें मैंने ये कोड को याद कराया हुआ है, ठीक है। तो एक का एक हो गया, प्लस अगस्त का कोड कितना, 3। अब 27 का कोड मैंने क्या बताया था, 27 का कोड मैंने बताया था कि इससे ये माइनस हो जाएगा, तो 7 - 2 कितना, 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो अभी कितना, इसको पूरा क्या करना है, हमको ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 9। अब इस 9 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो 2 कौन से डे पे रहेगा, संडे मंडे पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि संडे को 1 है और मंडे को 2 है। तो ये सब कब होगा, जब अभी कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारी चीजें माइंड में सेट हो जाएंगी। एक बार सेट हो गई तो फिर आप फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये डे कौन सा होगा, मंडे, ठीक है। तो आज का हमको क्या पढ़ना है, 1927 से आगे का। तो 1927 के आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 28 का, ठीक है, 1928, इसको सिर्फ हम 28, 56 और 84, बस ये तीनों चीजें याद रखनी है। 27 से आगे का निकालने के लिए हमको ये तीनों चीजें ही चाहिए, बस 28, 56 और 84। इसके बाद आप कोई भी ईयर का निकाल सकते हो, बस इतना ही था इसमें। कोई भी ईयर का निकालने के लिए आपको 28, 56, 84 ये याद होना चाहिए। 28 का दोगुना कितना, 56, तीगुना करोगे तो 84। तो बस हमको इतना ही याद करना है, मतलब समझना, याद भी नहीं करना है क्योंकि मैंने समझा के दिया था, याद तो करना नहीं था उसको, ठीक है। तो 28, 56, 84 तीन नंबर्स ये आपको समझना है। आगे क्या करते हैं देखो, अब 1928 का कैसे निकालेंगे और 1964 का पूछ लिया, अभी हमको लीप ईयर भी करना है, ठीक है, लीप ईयर का भी हमको पढ़ना है। बट पहले हम क्या करते हैं, लीप ईयर को छोड़ के बाकी चीजें जो है उनको समझ लेते हैं, फिर लीप ईयर भी बहुत ज्यादा सिंपल है, उसमें भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए लीप ईयर है कि नहीं, वो भी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 1964 का निकाल सकते हो आप, 72 का, अब आप कोई भी निकाल सकते हो, 84 का, 1999 का, 2099 का, ठीक है, 2084 का, कोई भी निकाल सकते हो। अभी कैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपको पिछला कोडिंग अच्छे से याद है, आपने प्रैक्टिस किया है, तो आप तुरंत निकाल लोगे। अब जैसे ले लेते हैं 12 अगस्त, ठीक है, 1932 का लेते हैं, ठीक है, चलो 1930 ले लेते हैं। अब बताइए कि 12 अगस्त 1930 को कौन सा दिन रहेगा, तो आप इसको तुरंत कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो यहाँ पे 12 दिया है, 12 कर लो, या फिर इसको हम डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करो, 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा 5 भी लिख सकते हो या 12 भी लिख सकते हो, या तो तीनों ऐड करके फिर डिवाइड कर दो, या तो आपको अगर कुछ बड़ा नंबर दिख रहा है, 15 दिख रहा है, तो 15 रहेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे 15 है तो 7 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। अगस्त का कोड कितना होता है, 3 होता है। अब इसका क्या करेंगे, 1930 दिया हुआ है, 1930, अब इसका 13 का कोड तो मैंने आपको बताया नहीं है, बट हमारे पास तीन नंबर दिए हुए हैं, कौन कौन से, 28, 56 और 84। तो अब ये किससे माइनस हो सकता है, इनमें से
किससे माइनस हो सकता है ये, तो आप देखो क्योंकि 28 इसमें से माइनस हो रहा है, तो 30 में से 28 गया, कितना बचेगा 2, और 2 का कोड यहाँ पे कोड लेना है, यही पे मिस्टेक होता है, बाद में फिर रॉन्ग हो जाता है। हमको यहाँ पे माइनस करने के बाद जो नंबर रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे माइनस किया तो कितना है 2, फिर 2 का कोड देखना है, तो 2 का कोड कितना होता है 2 होता है, तो 2 का कोड कितना हुआ 2। अब यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, कितना हो गया 6, तो छठ भाई कौन से दिन रहेगा 6, ठीक है फ्राइडे को रहेगा, फ्राइडे है ना 6 पे, आप देखोगे जो मैंने आपको लिखा हुआ है वहां पे क्या है फ्राइडे है, तो इस दिन 15 अगस्त 1930 को कौन सा दिन रहेगा फ्राइडे रहेगा। ऐसे आप अपने डेट ऑफ बर्थ का भी निकाल सकते हो कि उस दिन कौन सा दिन था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये बताओ इसका कितना होगा, ठीक है इसके कोड का क्या करेंगे, अगर यहाँ पे सपोज 16 ले लेते हैं, ठीक है तो 16 लिए हैं तो इसको 7 से पहले डिवाइड कर दो, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, जैन का कितना होता है 1 होता है, इसका कोड कितना होता है 1 होता है, इसको डिवाइड कर देंगे। आप स्पीड बढ़ा सकते हो, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इससे भी 2-3 गुना स्पीड है, ठीक है क्योंकि 2 मिनट लगता है इसको, कोड 1 का 1 कोड हो गया, जैन का 1 कोड हो गया, 16 कितना आ गया प्लस 2 आ गया, 2, 3 और 1, 4 हो गया, ठीक है तो 4 को कौन सा डे रहेगा, ठीक है थर्सडे, ऐसे आप थर्सडे ट्यूसडे आप ऐसे क्या कर सकते हो निकाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको मैंने याद नहीं करा है, क्यों क्योंकि इसको आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज्यादा जल्दी आपको ये समझ जाएगा, ठीक है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 0 भी आया तो सैटरडे और 7 आया तो भी सैटरडे, फ्राइडे 6, थर्सडे 5, वेडनेसडे 4, ट्यूसडे 3, मंडे 2 और संडे 1, ठीक है तो वो डे कौन सा था, ये आया था वेडनेसडे का, ठीक है। आगे चलते, अभी हमको सपोज 1961 का निकालना है, 61 का अगस्त 1 अगस्त 1961 का, तो हमारा क्या था 28, 56 और 84, अब ये किससे माइनस हो सकता है 61, ठीक है 56 से हो रहा है तो 56 अगर 61 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, ठीक है 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया, 5 का कोड कितना होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे 0 का 0 होगा 4, 8, 12, 16, 20 और 24, तो 0 का 0, 4 में प्लस 1 ऐड होगा तो 5 हो जाएगा, और इसमें प्लस 2 ऐड होगा तो ये 10 हो जाएगा, इसमें इसको इसमें से माइनस करना है, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे एज इट इज यूनिट वाला प्लेस जो भी नंबर रहेगा यहाँ पे आ जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा, इसमें तुमको जो भी नंबर यहाँ पे दिए हुए उसको ऐड करना है, इसमें प्लस 2 ऐड कर देना, तो इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका क्या वही प्रोसेस, 4 में से 2 गया 2, ये चीजें मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताई हुई, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोडिंग क्या 61 दिया, 61 को माइनस किया 56 से कितना है 5 आया, 5 का कोड कितना दिया हुआ है 5 किस में आता है 4 वाले में, तो 4 में प्लस 1 करना है, तो 5 में प्लस 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस अगस्त का 3 हो जाता है और इसका 1 हो जाता है, ठीक है 6 और 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्योंकि 7 से डिवाइड हो जा रहा है, 3 पे क्या आता है ट्यूजडे आता है, तो ऐसे बता दिया कितना क्या हो गया उस दिन ट्यूजडे हो गया, ठीक है। अब 1998 का निकाल लेते हैं, ठीक है एक एग्जांपल इसका होगा, एग्जांपल इसका, एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं, ठीक है अगर यहाँ पे सपोज 6 दिया हुआ है, ठीक है 6 ने 2 ले लेते, चलो 2 ले लिए, थोड़ा कम नंबर जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 2 अगस्त 1998 का क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पे 98 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, ठीक है तो अगर इसको 84 से माइनस कर देंगे, पहले तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ से नंबर देखेंगे कैसे, नंबर क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे कैसे, यहाँ पे 28 दिया 56, इससे के लिए माइनस किया, इससे के लिए माइनस किया क्यों, क्योंकि हमको अप्रोक्सीमेट देखना है कि इसके नजदीक कौन सा नंबर है और इससे कौन सा माइनस हो पा रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 98 दिया हुआ है माइनस 84, ठीक है तो 14 आ गया, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे क्या, नहीं क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए 14 का कोड चाहिए, तो 14 का कोड क्या होता है यहाँ पे आइए, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16, तो 12 वाले कोड पे आएगा, तो 12 वाले में क्या करते थे हम लोग माइनस कर देते यूनिट प्लेस वाले से, तो 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, तो 3 प्लस 3 प्लस 2, 3, 3, 6 और 1, 7, 8, 8 प्लस 7 इज इक्वल टू रिमाइंडर 1, 1 को क्या है संडे, तो संडे आ गया, ठीक है
तो इस तरह से आप इस पूरे कैलेंडर को सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट पेन एंड पेंसिल का भी क्या करेंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे विदाउट पेन पेंसिल और कॉपी के विदाउट, ठीक है। उसके क्या करेंगे देखो, जैसे कि अभी मैंने पूछ लिया 11 अगस्त 1982 को कौन सा डे रहेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको दो मिनट इधर ध्यान लेते थे, चलो इधर ध्यान ले लेते, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तुरंत कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे 82 दिया हुआ, हमारे पास क्या था 84 क्या 2, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे जैन 1 हो गया 2 3 और यहाँ पे 5, ठीक है 5 3 8 हो गया, 8 में से 7 1 बचेगा, 1 को क्या है संडे है, ऐसे ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्पीड आपका बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 है प्लस जैन का 1 कोड होता है 82 से माइनस गया 2 बचेगा, तो 5 6 7 8 हो गया, 8 और 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1, 1 को कौन सा डे होता है संडे होता है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर आप लेके इसको कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको कोडिंग पता चल गया किस तरह सॉल्व करना है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आगे चलते हैं लीप ईयर पे, क्या चलते हैं लीप ईयर, लीप ईयर वाले प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्यों वहां पे एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो जिसकी वजह से कैलेंडर से प्रॉब्लम होता है, उसी वजह से सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो आप कैसे लीप ईयर वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, लीप ईयर में हमको सिर्फ दो ही चीज ध्यान देना है, मंथ और ईयर। मंथ और ईयर क्या होता है देखो, जो ईयर होगा ठीक है वो पूर्णतः क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, पहली बात तो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिवाइड करो तो वो डिवाइड हो जाना चाहिए, प्लस उसके साथ हमको चाहिए मंथ, मंथ कौन कौन सा चाहिए, जैन और फेब, ठीक है, जनवरी और फरवरी। मतलब यहाँ पे जो लिखा रहेगा, जैसे मैंने लिख दिया 1 जनवरी 1920, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मंथ भी दिया हुआ है और जो ईयर दिया हुआ है, 19 से हमको कुछ लेना देना नहीं है, 19 से हम कुछ भी नहीं लेना देते, हमको सिर्फ कोड से मतलब है 20 से, ठीक है, हमको किससे मतलब है 20 से। तो 1 जैन 1920, 19 को कैंसिल कर दिया क्योंकि 19 से हमको कुछ मतलब नहीं है, बट 20 से होगा, बताता हूँ कैसे, ठीक है, आगे देखते हैं। 1 जैन 1920, 19 कैंसिल, 20 हमको चाहिए। तो यहाँ पे देखो मंथ भी दिया हुआ है, जैन दिया हुआ है और 20 जो कि डिविजिबल हो रहा है किससे, 4 से, तो ये कौन सा हो जाएगा, लीप ईयर हो गया। कौन सा ईयर हो गया, ये लीप ईयर हो गया, तुरंत इसको पता लगाने का ये लीप ईयर हो गया। 1 जैन, अगर मंथ जनवरी फरवरी दिया रहेगा, जनवरी फरवरी दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, प्लस 19 और ये जो 20 दिया रहेगा, अगर ये डिवाइड हो रहा है ठीक है तो ही वो क्या रहेगा, लीप ईयर। बट अगर मैं बात करता हूँ 20 की, तो 20 में हमको पूरा देखना पड़ेगा कि पूरा ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। सपोज मैंने इतना ले लिया, ठीक है 2000 ले लिया, तो ये डिविजिबल हो रहा है, ठीक है डिविजिबल हो रहा है, तो यहाँ पे जैन है, यहाँ पे ये पूर्णतः 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे 20 लेंगे बट वहां पे 19 नहीं लेते, 19 हम नहीं लेंगे और 20 लेंगे, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा है, जैन भी आ गया, तो ये मेरा लीप ईयर हो जाएगा। हम दो तीन प्रॉब्लम थोड़ा 20 पे पहले सॉल्व कर लेते, फिर ये समझेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने 20 के ऊपर एक भी प्रॉब्लम बताया नहीं। तो देखो जैसे कि 1 अगस्त 2012 ले लेते हैं, ठीक है 2012 को कौन सा डे था, तो यहाँ पे देखो पहले तो हम क्या करेंगे, एक लिख देंगे, ठीक है, अगस्त का हमारा कोड क्या होता है 3 होता है, यहाँ पे 12 का कोड क्या होता है 2 में से 1 गया 1 प्लस। अब आपको जहां पे 20 का प्रॉब्लम आएगा, मतलब 20 से रिलेटेड 20 24 28 इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे, तो हमको वहां पे क्या करना है, -1 करना है, क्या करना है -1, हर टाइम 20 को यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, अगर 90 12 होता था तो 90 कैंसिल हो जाता, 90 से हमको कुछ लेना देना नहीं है, बट 20 से हमको है, 20 रहेगा तो उसको -1 करेंगे, तो -1 किया, अब ये -1 गेट कैंसिल होगा, 4 को कौन सा डे होता है, वेडनेसडे, ठीक है। तो इस तरह से 20 वाले प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 दिसंबर दिया है 1932, तो ये लीप ईयर है, नहीं लीप ईयर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो डिवाइड हो सकता है, बट यहाँ पे जैन या फेब चाहिए था मुझे, बट यहाँ पे दिसंबर दिया हुआ है जिसकी वजह से ये पूरी तरह से लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है लीप ईयर ये है ही नहीं, क्यों कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे जैन फेब चाहिए और यहाँ पे ईयर जो है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 हो गया, प्लस दिसंबर का कोड कितना होता है 6 होता है, -1, 20 का -1 लिख दिया, 32 को क्या करेंगे, पहले तो 30 से डिवाइड 28 से माइनस कर देंगे, उसको 28 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, अब 4 का कोड कितना होता है 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, पहले माइनस करने के बाद नंबर नहीं लिखेंगे, उसका कोड लिखेंगे, ठीक है। तो कितना लिखें 5, अब यहाँ पे क्या होगा,
इसमें से क्या इसको माइनस कर दो या तो सीधा सीधा कैंसिल कर सकते हो आप, ठीक है, इसमें से कुछ भी, या तो पूरा कंबाइन करके 7 से डिवाइड कर दो या तो स्टार्टिंग में जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दो, जिसमें 5 टू 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 बचा, 6 में से 1 गया 5, तो 5 को क्या है थर्सडे है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर निकल के आ रहा है थर्सडे, तो इस दिन कौन सा रहेगा थर्सडे रहेगा। तो ये बात हो गया किसका 20 का, बस इतना ही सीखना था, 20 का सीख लिया, 90 का सीख लिया। अब इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ईयर का 4 साल के कैलेंडर से निकाल सकते हैं कितने पे, ठीक है, लीप ईयर पे थे हम, ठीक है, लीप ईयर में मैंने आपको बताया कि मंथ और ईयर हमको दिखना चाहिए। अब लीप ईयर में क्या खासियत क्या है, देखो जैसे कि 1 जन ले लिया और 1920 ले लिया, तो हमको ये तो देखना नहीं है, 19 में हमको नहीं देखना है, ठीक है, 90 से रिलेटेड आगे पीछे जो भी रेंज है हमको नहीं देखना, मैं बताता हूँ कि 90 क्यों नहीं देख रहे और 20 क्यों देख रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने 90 कैंसिल कर दिया, बट 20 मेरा डिविजिबल हो रहा है किससे, 4 से, और यहाँ पे जनवरी दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि दोनों, ये तो डिविजिबल हो रहा है 4 से, और जैन फेब मैंने बोला था दोनों में से कोई एक देना चाहिए, तो जनवरी दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया लीप ईयर हो गया, ठीक है। अब इसका कोडिंग कैसे लिखेंगे, 1 लिख देंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है जैन, जैन का कोड कितना होता है 1 होता है, प्लस अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो 20 का कोड कैसे निकालेंगे हम, 20 का कोड कितना है 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब 4 प्लस 1 4 5 6 6 हो गया, 6 को कौन सा डे है फ्राइडे, इसको एक माइनस कर देंगे, इसमें से हमेशा एक माइनस करेंगे, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो 5 को कौन सा आ गया थर्सडे आ गया, इस तरह से सॉल्व कर देंगे क्लियर वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो लीप ईयर में खासियत क्या है, सारा का सारा प्रोसेस सेम है, बस हमारा जो आंसर आएगा उसमें से क्या करना है माइनस 1 कर देना है बस, ठीक है, हमको पता चल जाएगा कि उस दिन कौन सा डे था, माइनस 1 करना जरूरी है क्योंकि वो लीप ईयर होगा, ठीक है, लीप ईयर में से हम क्या करेंगे माइनस 1 करके वो बता देंगे कि उस दिन कौन सा डे होगा, तो उस दिन कौन सा डे है थर्सडे, बाकी का प्रोसेस सेम है। अगर यहाँ पे 20 दिया रहता था तो, अगर यहाँ पे सपोज 20 और 20 दिया रहता तो अभी भी ये लीप ईयर है, क्यों, क्योंकि जनवरी है और ये पूर्णतः पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है किससे 4 से, तो अब इसका 1 प्लस इसका 1, इसमें से माइनस 1 और इसका क्या 2 में से, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा, तो 4 लिख दिया, अब यहाँ पे 4 5 6 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो 4 पे क्या है वेनसडे, तो इस दिन कौन सा होगा वेनसडे, ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आप ऐसे लिख के इसको प्रैक्टिस कीजिए और विदाउट पेन कॉपी क्या करेंगे इसको सोच के देखो कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। सपोज ऐसे दिया हुआ है 6 जैन 1916 दिया हुआ है, ठीक है, 1916, तो इसका क्या होगा, इसका यहाँ पे कोड कितना होगा 19 से हमको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, 20 रहेगा तो माइनस 1 कर देना, 19 से कुछ लेना देना नहीं, यहाँ पे यूनिट पे 6 है, 6 प्लस 1 7, 7 कैंसिल हो गया, बचा 6, 6 को कौन सा डे होता है फ्राइडे, ठीक है, तो इतनी स्पीड से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या 6 ही बचा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ का कोड कितना होगा 6 होगा, प्लस 1 7, 7 कैंसिल हो गया, बचा कितना 6, तो 6 पे कौन सा डे होगा फ्राइडे होगा, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करना है, तब जाके आप 1 या 2 सेकंड में इसके आंसर को निकाल सकते हो। कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 2 अगस्त 1930 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये लीप ईयर है नहीं है, क्यों, क्योंकि अगस्त तो पहले हमको दिख गया तो लीप ईयर है भी नहीं, तो 2 प्लस 3 90 से कुछ लेना देना नहीं, इधर बचा 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 और 7, 7 से कैंसिल हो गया, 0 आ गया, 0 पे रिमाइंडर 0, तो 0 को क्या होता है सैटरडे, तो इस दिन कौन सा डे रहेगा सैटरडे रहेगा, ठीक है। अब कुछ एग्जाम के क्वेश्चन है जो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इफ अगर पूछता है कि 2 अगस्त 1930 को संडे है, एग्जाम में रीजनिंग में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इफ अगर 2 अगस्त 1930 को संडे है तो बताओ 10 दिसंबर 1940 तो बताओ क्या 10 दिसंबर 1940 को कौन सा डे होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसको सिर्फ 6 से 7 सेकंड लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको टाइम कुछ नहीं लगने वाला है, ठीक है,
क्यों देखो, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे क्या सच में संडे आ रहा है। इन्होंने क्या बोला है कि 2 अगस्त 1930 को क्या है, संडे है, तो उसके हिसाब से बताओ कि 10 दिसंबर 1940 को कौन सा डे होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, यहाँ का कोड पहले 2 दिया हुआ है, प्लस 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 गया, माइनस हो गया, ठीक है, कितना हो गया 3 2 5 2 7, मतलब सैटरडे है। इन्होंने झूठ बोला, यहाँ पे लिखा हुआ संडे, इन्होंने कितना -1 झूठ बोला, कितना झूठ बोला -1। हमारा क्या आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, इन्होंने क्या बोला संडे, +1 झूठ बोला है। क्या बोला +1, मतलब हमारा ऐसे जाएंगे ना हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है सैटरडे, बट इन्होंने क्या बोला संडे है, तो मतलब +1 झूठ बोला। तो इसका मतलब ये जो +1 आया इसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, ये जो 10 पूछ रहा है तो इसको 10 को क्या कर देना है 11 कर देना है, ठीक है, 10 को क्या कर देना है 11। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उनको बता दो, यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे भी 11 आ जाएगा, दिसंबर का कोड होता है 6, यहाँ पे 14 दिया हुआ है, इसको माइनस करेंगे किससे 28 से, तो आ जाएगा 12 का कोड कितना होता है 1, यहाँ पे 1 होगा, 6 और 1 कैंसिल हो गया, बचा 11 में से इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, बचेगा कितना 4, तो 4 को कौन सा होता है वेनसडे, तो यहाँ पे कौन सा होगा वेनसडे। तो इतनी स्पीड से आपको फटाफट सॉल्व कर लेना है, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है ऐसा कि पूछा है 1908 आने वाले किस ईयर से मैच हो करेगी, मतलब 1908 का जो कैलेंडर है, ठीक है, 1908 का जो कैलेंडर है आने वाले किस ईयर से मैच करेगी, तो आपको ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे 1920, ए बी दे देगा 1921, सी दे देगा 1930 और डी दे देगा 1931। तो आप बताइए कि इसका जो 1908 जो का जो कैलेंडर होगा वो इनमें से किससे मैच करेगा, ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका कोड निकाल लेंगे, ठीक है, 19 सेंचुरी है तो 19 सेंचुरी से आपको देना देना नहीं है, 20 होता तो -1 कर देते, तो 19 से आपको देना देना नहीं है, यहाँ पे 8 बचा, तो 8 का कोड कितना होता है 10, 10 को डिवाइड कर दो 7 से तो क्या होगा 3, है ना, 3 बच जाएगा, तो 3 को कौन सा डे है, ट्यूजडे है, तो अब 3 जिसका आंसर आएगा, इसमें से जिसका आंसर 3 आएगा उसी ईयर का जो कैलेंडर होगा उससे मैच करेगा, ठीक है। इसका कोड निकाल लेते हैं, 90 दिया, 90 से कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है तो यहाँ पे 4 आ गया, ये आंसर नहीं है, यहाँ पे 90 दिया, 90 से कुछ मतलब नहीं है, 21 दिया, 21 को हम किस तरह से निकाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 20 21, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 2 3 5 5 आ गया, कुछ भी मतलब नहीं है, इसका कोड 5 है, यहाँ पे 3 आया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ का 90 से कुछ मतलब नहीं है, इसका कोड आ गया 2, इससे ये भी आंसर नहीं है, बचा 31, इसको भी कैंसिल करेंगे, 31 दिया है, ये 28 से डिवाइड मतलब माइनस हो रहा है, तो कितना आ गया 3 आ गया, मतलब इसका आंसर 3 यहाँ पे मैच हो रहा है, इसका मतलब कि 1908 का जो कैलेंडर होगा वो किससे मैच करेगा, 1931 से मैच करेगा, ठीक है। ये सब प्रोसेस आपको फटाफट करनी है, स्पीड में करनी है, जितना ज्यादा स्पीड करोगे उतना ज्यादा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो आपको ये भी प्रॉब्लम समझ गया, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो मैंने पहले बताया उस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, 1902 का ले लेते हैं, 1902 का, ठीक है, 1902 का कैलेंडर किससे मैच करेगा, इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ए 1903 5 1719 1913, ये डी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, बी दिया हुआ, ए दिया हुआ, ठीक है, इसमें से किसका कैलेंडर मैच करेगा। अब यहाँ पे 19 दिया तो 19 से हमको लेना देना नहीं है, बट अगर 20 दिया था तो -1 कर देते थे, तो अभी क्या करना है, यहाँ पे 2 का कोड, 2 का कोड कितना होता है 2 होता है, यहाँ पे इसका कोड कितना होगा 3 का कोड कितना होगा 3 होगा, 5 का कोड 6 होगा, 19 है कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे 17 दिया हुआ है, 16 जब आता था यहाँ पे देखो 0 4 8 12 और 16, तो 16 पे 16 के बाद 17 आता है ना, तो 17 हम क्या करते थे यूनिट प्लेस देख देते, तो यहाँ का यूनिट प्लेस कितना है 7 है, तो 7 से कुछ मतलब नहीं, यहाँ पे आंसर 2 आ रहा है, यहाँ का आंसर कितना आएगा 30 को 2 से मतलब 28 से माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, मतलब आंसर इज डी, तो 19 2 का कैलेंडर किससे मैच करेगा 1930 से, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर पूछ लिया 1700
24 का बताओ कैलेंडर, 1724, 1 अगस्त 1724 को कौन सा डे होगा, या बोल दिया कि 1200 का बताओ, 1100 का बताओ, या फोर्थ सेंचुरी का, थर्ड थ्री सेंचुरी का पूछ दिया कि 3024 का बताओ, ठीक है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, अगर इतने दूर दूर का पूछ लिया तब हमको तो 2000 का पता कि माइनस वन करना है, तो सिंपल है, इसका भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो क्या करना है हमको, पहले तो हम ईयर लिख लेते हैं, हमको 19 सेंचुरी में हमको क्या करना रहता है, कुछ भी देखना नहीं रहता है, हमको 19 दिया रहता है तो हम 90 कट कर देते हैं सीधा सीधा, ठीक है। 2000 दिया रहता है तो क्या करते हैं, माइनस वन कर देते हैं, ठीक है। 1800 दिया रहता है तो हम प्लस टू करेंगे, और 1700 दिया रहता है तो प्लस फोर, बस इतना ही हमको समझना है, इतना हमको क्या करना है समझना है। 19 दिया रहता है तो हमको देखना ही नहीं है, 2000 दिया रहता है तो माइनस वन, 1800 दिया रहता है तो प्लस टू, और 1700 दिया रहता है तो प्लस फोर, ठीक है। अब इसके बाद, अब इसमें से चार चार का आप गैप लेके इस तरफ भी लिख सकते हो, चार चार का गैप लेके इस तरफ भी लिख सकते हो। अगर कभी पूछा कि बताओ 1 अगस्त 1720 को कौन सा डे रहेगा, तो आप कैसे बताएंगे, यहाँ का इसका कोड 1 हो जाएगा, इसका कोड 3 हो जाएगा, प्लस 20 का कोड कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 दिया हो तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस 17 पे कितना है, प्लस 4, तो प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करके आंसर बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, 5, तो 5 पे कितना है, थर्सडे है, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, इतना आपको समझ गया रहेगा। तो 17 का कोड दिखा, 1700 से पूछा तो प्लस 4, 1800 से पूछा प्लस 2, 2000 से पूछा तो माइनस 1, और 19 से पूछा तो आपको वो कट कर देना, ठीक है। अब इससे आप क्या करिए, प्लस 4 आगे भी जाइए, प्लस 4 पीछे भी चले जाइए, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी आप आगे जाओगे तो 2400 आएगा, 2800 आएगा, ठीक है, 3200 आ जाएगा, 3600, तो इसको आप कंटिन्यू करके जा सकते हो। तो अब आपको 2400 दिखा, 2800, 3200, इसमें से कोई भी पूछा तो आपको कितना माइनस वन करना है, मतलब कितना माइनस करना है, माइनस वन माइनस करना है। अब इसके पीछे भी आप आ जाओ, 1600 आ जाओ, ठीक है, इसके पीछे भी जितना जाओगे उसमें भी कितना करना है, माइनस वन, उसी तरह से यहाँ पे भी, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी 2100 आ जाएगा, जो भी आ जाएगा 2200 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इस तरह 4 प्लस करना है, यहाँ पे 4 माइनस करना है, उसी तरह से 1800 का भी करना है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2200 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1400 आ जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करते करते चले जाना है, इस तरफ और इस तरफ। तो इस तरफ के कोड में क्या करना है, प्लस माइनस, माइनस फोर करना है, यहाँ पे प्लस फोर करना है, यहाँ पे प्लस फोर करना है, यहाँ पे भी माइनस फोर करना है। तो इसके, ये आपको अगर टेबल समझ गया तो इसके बाद आप कोई भी एरर निकाल सकते हो, बस आपको इतना सा समझना है, प्लस वन प्लस फोर करने आना चाहिए बस, और माइनस फोर करने आना चाहिए। तो फटाफट आप क्या कर सकते हो, कोई भी एरर का कैलेंडर बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया पूरा कैलेंडर्स का, ठीक है। इसके बाद कोई भी शायद टॉपिक कैलेंडर से जुड़ा हुआ बचा नहीं है, और अगर इसके बाद मुझे दिखता है कुछ कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, तो मैं उसको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा होगा, क्यूब होगा, किस तरह से क्यूब फाइंड आउट किया जाता है 1 से 100 तक विदाउट याद किया। आप कोई भी क्यूब याद नहीं करोगे, बट आपको पूछा जाएगा तो आप जिस टेक्निक से याद करोगे आपको टेक्निक समझ में आ जाएगा, मतलब याद नहीं करना है, समझना है उसको। समझ गया तो आपको कोई भी क्यूब आप उसको तुरंत बना सकते हो, याद नहीं करना उसको बना दोगे आप, तुरंत बना दोगे, ठीक है। क्यूब याद नहीं रहेगा बट आप उसको क्या करोगे, बना सकते हो। उसके भी कुछ ऐसे छोटे मोटे कोडिंग्स है वो देख लेंगे, फिर आपको भी आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी क्यूब के साथ में, ठीक है।